हेलो एवरीवन, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के टॉपिक में आज हम देखेंगे ग्रुपिंग रिजल्ट। ग्रुपिंग रिजल्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है एसक्यूएल में। सो व्हाट इज ग्रुपिंग? ग्रुपिंग रिजल्ट मींस वी आर डिवाइडिंग द टेबल इनटू ग्रुप्स। जो टेबल है आपके पास एसक्यूएल की, जो टेबल है डाटाबेस की जो टेबल है, उसे हम अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो वो हम ग्रुपिंग कहलाती है। और ग्रुपिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, कॉलम नेम के ऊपर ग्रुपिंग करते हैं और उसमें एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए जो कमांड है, जो क्लॉज है एसक्यूएल का, वो है ग्रुप बाय, और इस क्लॉज को यूज करके आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो एक एग्जांपल से समझेंगे कि ग्रुपिंग होती कैसे, कैसे काम करती है। तो उसके लिए एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट टेबल को ही क्रिएट करते हैं। इसमें सिंपल हम रखेंगे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, और स्टूडेंट की सिटी। तो सपोज ये टेबल है हमारे पास, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, मार्क्स है और उसकी सिटी है। और क्यूरी है वी हैव टू फाइंड टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच सिटी। सो द क्यूरी इज टू फाइंड टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सिटी, कि हर सिटी के स्टूडेंट्स का टोटल हमें फाइंड आउट करना है अब। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज द ग्रुप बाय क्लॉज। अब हमें इसमें ग्रुपिंग कैसे करनी है? वी कैन ग्रुप द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सिटी। अगर आप देख रहे हो इस टेबल में हमारे पास बेसिकली दो सिटी हैं, दिल्ली एंड गोवा। तो एक ग्रुप बनेगा इसका और एक ग्रुप बनेगा ये वाला। तो फिर इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका क्या है? आप इसमें ऐसे लिखोगे, कमांड जो लिखोगे, सिलेक्ट सम मार्क्स, क्योंकि टोटल करना तो हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, देन सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, और इसके बाद अब आप लगाओगे ग्रुप बाय। सो ग्रुप बाय किस पे ग्रुपिंग करनी है? सिटी पे, ग्रुप बाय सिटी। तो अब आपको पास जो आउटपुट आएगा इस केस में, आपको आउटपुट मिलेगा, दो कॉलम्स मिलेंगे, सम मार्क्स एंड सिटी। ऐसे आपको आउटपुट दिखेगा। और दो सिटी आएंगी, दिल्ली एंड गोवा। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपने ग्रुपिंग कर दी सिटी पे, तो ये एक तरह से ये एक अलग रिलेशन बन गया, सपोज फॉर एग्जांपल रिलेशन वन, और ये एक अलग रिलेशन बन गया रिलेशन टू। और ये जो आपने फंक्शन चलाया है ना, एग्रीगेट फंक्शन, ये इन दोनों रिलेशंस पे अलग अलग काम करेगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि सम मार्क्स रिलेशन वन पे चला, तो क्या आएगा इसका आंसर? 150। सो दिल्ली के लिए आ गया 150। और जब ये वाला सम मार्क्स रिलेशन आर टू पे चला, तो क्या आएगा? 160। तो आपको ये ऐसा एक आउटपुट देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ दिस ग्रुपिंग इज डन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रुपिंग, क्योंकि जब इंडस्ट्री के अंदर काम होता है, जब रियल टाइम डाटाबेस पे काम होता है, तो वहाँ पे ग्रुपिंग हम जनरली परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज हाउ द ग्रुपिंग इज डन। इसके एडवांस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि क्लास 12th के अकॉर्डिंग दिस मच इज सफिशियंट। नाउ हाउ टू प्लेस कंडीशंस इन ग्रुप्स। सो अभी तक हमने देखा कि कंडीशन हम कैसे लगा रहे थे, यूजिंग वेयर क्लॉज। बट जब आप ग्रुपिंग करते हो, तो कंडीशन के लिए आपको यूज करना है हैविंग क्लॉज। सो हैविंग क्लॉज इज यूज टू प्लेस कंडीशंस इन ग्रुप्स। तो अब अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक और हमारे पास यूजर होता ई, जिसके मार्क्स थे 50 और ये था मुंबई से, ठीक है,
अब हम चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट्स का टोटल सम ऑफ स्टूडेंट टोटल सम ऑफ मार्क्स मिले किस स्टूडेंट्स के जो दिल्ली और गोवा में, मुंबई का ना मिले, सिर्फ दिल्ली और गोवा का मिले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हैविंग क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, लिखने का तरीका सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, दैट सिलेक्ट सम मार्क्स कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अब आपको लिखनी हैविंग कंडीशन, सो हैविंग, सॉरी, इससे पहले आपको लिखना है ग्रुप बाय। तो यहां पे आप लिखोगे ग्रुप बाय सिटी, देन कंडीशन लगेगी हैविंग सिटी इन दिल्ली गोवा। तो अब क्या होगा, जब ग्रुपिंग होगी तो वो इसको इग्नोर कर देगा, ये जो मुंबई वाला रो है ये इग्नोर हो जाएगी और सिर्फ इन दोनों के बेस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम आएगा यहाँ पे। सो इन दिस वे यू कैन हैव दिस हैविंग क्लॉज। तो ग्रुप बाय जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और इसमें आप किसी कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। बट इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं एक आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, दैट यू कैन हैव आइदर एग्रीगेट फंक्शन, यू कैन हैव आइदर एग्रीगेट फंक्शन और द कॉलम विच इज़ यूज्ड इन ग्रुपिंग बाय इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट। इसका क्या कहना मतलब है कि जब सिलेक्ट के साथ आप कॉलम्स को लिखते हो ना, और आप अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो आप या तो एग्रीगेट फंक्शन लिख सकते हो या सिर्फ वही कॉलम लिख सकते हो जिस पे आप ग्रुप बाय लगा रहे हो, ठीक है। सो अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो, सिलेक्ट सिंपल लिख देते हो आप मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, अगर आपने ऐसा लिखा कमांड सो दिस विल बी अ एरर, ये आपकी कमांड नहीं रन करेगी, ये एरर है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्ट के साथ या तो एग्रीगेट फंक्शन होगा या फिर वो कॉलम होगा जिस पर आपने ग्रुपिंग लगाई है, एल्स कुछ भी आप इसमें नहीं लिख सकते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए ग्रुपिंग बाय में। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप बाय एंड हाउ टू प्लेस कंडीशंस इन ग्रुप बाय यूजिंग हैविंग क्लॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।